नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने ककरोली पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की। ककरोली थाना क्षेत्र के गांव ढांसरी निवासी ईश्वर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को शिकायती पत्र देते हुए ककरोली पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। आरोपी की विगत 4 अक्टूबर की शाम के समय गंगनहर पटरी पर उसके बेटे के साथ गांव के ही युवक के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसके घर पर आकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ककरोली पुलिस पर आरोप है कि कार्रवाई करते हुए गंगनहर पटरी पर मामूली कहासुनी में मारपीट का मुकदमा दर्ज कर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया है। इससे असंतुष्ट होकर पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। 4 तारीख को कौन से वे लड़ाई करना है? हमारे मोहल्ले के गांव के। क्या नाम था उनका? एक छोटू था, एक भोलू था और एक बिजली था। क्या नाम था पापा का? उनके पापा का नाम ओमकार, एक था, एक का नाम पल्लू है और एक बिंदर है। कहाँ हुआ था ये झगड़ा? ये नहर पर झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? ये बात हुई थी कि वो हमें नहीं जान सकता था, पहले लड़ाई हुई थी उनकी, आप जान सकता था। जैसे मैं उधर होती है पहले वहाँ मारपीट की, फिर घर पे आके मर पर जाए हमारे मेरे पापा बाहर। वीडियो है हाँ, मारपीट की तहरीर दी थी। आपने तहरीर दी थी? तहरीर दी थी। कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, उन्होंने पैसे ले लिए, कुछ नहीं करा था। फिर तुमने आगे क्या करा? कप्तान को दी थी, फिर उसने कुछ नहीं करा जी। अब आप क्या चाहते हैं उसमें? अब क्या हूँ साफ किए जी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।